अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री मनोहर लाल जी को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया है। अब मैं श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा धैर्य या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब मैं श्री दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करती हूँ कि वे उप मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारे। दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करूंगा उपेक्षित हो अन्यथा
वस्त्र में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुशोषित या प्रकट नहीं करता। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के बाद जलपान करके जाएं, जिसकी व्यवस्था साथ वाले पंडाल में की।